एशिया के दीवानों के लिए खास पेशकश हम लेकर आए हैं। जी हाँ, एशिया के सबसे बड़े कार मेले ऑटो एक्सपो 2018 में सामने आ रही हैं एक से बढ़कर एक ऐसी गाड़ियां जो आपको दीवाना बना देंगी। कुछ ऐसी गाड़ियां जो जल्द ही सड़कों पर भी दिख सकती हैं। हम आपको कुछ ऐसी ही बड़ी कंसेप्ट कार्स दिखाने जा रहे हैं जिनसे इस ऑटो एक्सपो में पर्दा हट चुका है। ऑटो एक्सपो 2018 में छाई हुई हैं कॉन्सेप्ट कारें। एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट वो कारें जो देखने में शानदार, बेहद आरामदायक, टेक्नोलॉजी बेहद एडवांस, और ये कॉन्सेप्ट जल्दी ही मार्केट में आ सकते हैं। रेनो ट्रेजर, यह है रेनो की ट्रेजर इलेक्ट्रिक सुपरकार। ये कार देखने में जितनी लग्जूरियस और आकर्षक है उससे भी ज्यादा अत्याधुनिक है इसके फीचर। रेनो का दावा है कि ये फुली ऑटोमेटेड कार है। महज 4 सेकंड में ही ये कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। ऑटो एक्सपो ग्लैमर और सुपर कार के लिए मशहूर है और ऐसी ही एक सुपर कार इस वक्त आपके सामने है। रेनो की ये कार है, ये कंसेप्ट कार है जिसको फिलहाल शोकेस के लिए रखा है। लोगों की काफी दिलचस्पी है इसमें। ये कंसेप्ट कार है और रेनो का दावा है कि लोगों की, खासकर इंडियंस के टेस्ट को और उनकी डिमांड को देखते हो सकता है वो आने वाले दिनों में ऐसी ही एक सुपर कार भारत की सड़कों पर भी उतारे। रेनो ज़ोई सुपर कार के बाद अब बात करते हैं रेनो की दूसरी इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार ज़ोई की। पीले रंग में शोकेस की गई ये कार दिखने में काफी खूबसूरत है। ज़ोई एक हैचबैक है। यूरोपियन मार्केट में ज़ोई एक सफल ब्रांड के तौर पे साबित हुआ है। यही वजह है कि अब रेनो की कोशिश ये है कि इसको भारतीय बाजार में भी उतारा जाए और जो सरकार की कोशिश है, पहल है, उसमें भी कदम ताल करते हुए इंडियन ऑटो मार्केट में अपने लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड सेगमेंट में एक जगह बना सके। मारुति ई सर्वाइवर, यह है मारुति की ई सर्वाइवर। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो कि अगले कुछ सालों में जिप्सी की जगह ले सकती है। यही नहीं, 2020 में ये एक ई कार बनकर भी लॉन्च की जा सकती है। ई सर्वाइवर ये वो गाड़ी है जो कि फ्यूचर ऑफ पॉसिबिलिटीज बताती है। सिर्फ मोबिलिटी नहीं कि एक गाड़ी से क्या क्या पॉसिबल है, ये एक हर तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। सेल्फ ड्राइविंग में इस्तेमाल की जा सकती है, ऑटोनॉमस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है, फोर व्हील की जा सकती है, ऑन रोड की जा सकती है, ऑफ रोड की जा सकती है। और ऑटोनॉमस की बात कर रहे हैं, ई मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर की इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। मारुति फ्यूचर है, मारुति की एक और कॉन्सेप्ट फ्यूचर है। यूं तो ये कॉम्पैक्ट कार है लेकिन इसमें लुक्स और फीचर्स एसयूवी के दिए गए हैं। सुजुकी इस बार भी अपने शो स्टॉपर के साथ शुरुआत कर चुकी है। आपके फ्रेम में इस वक्त नजर आ रही है मारुति की कंसेप्ट फ्यूचर एस। कंसेप्ट यानी कि ये गाड़ी अभी सिर्फ कंसेप्ट सीट पे है। फ्यूचर जो कि मारुति का रीडिफाइन करेगा एसयूवी स्पेस में। और गाड़ी के डायमेंशंस देख के आपको क्लियर हो चुका होगा ये गाड़ी एंट्री लेवल में उतारी जाएगी और कहीं ना कहीं मारुति की जो छोटी गाड़ियां इस वक्त बाजार में मौजूद है उनको रिप्लेस करती हुई क्विड का आने वाले समय में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है जो कि तैयार किया जा रहा है। टाटा H5X, देश की एक और बड़ी मोटर जायंट टाटा मोटर्स ने अपनी नई एसयूवी H5X से इस ऑटो एक्सपो में पर्दा उठाया। टाटा मोटर्स की तरफ से एक बहुत ही प्रीमियम एसयूवी है जो कि आपको ऑटो एक्सपो 2018 में देखने को मिलेगी। लॉन्च के लिए आपको भी कुछ इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये कंसेप्ट गाड़ी है, लेकिन फेस ऑफ इट एक बात क्लियर हो चुकी है कि टाटा मोटर्स की आगे की जो राह है वो कहीं ना कहीं अब उसके डिजाइन में छलकती है। होंडा न्यूवी, होंडा ने ऑटो एक्सपो में ऑल इलेक्ट्रिक कार न्यूवी का कॉन्सेप्ट पेश किया। ये एक 2-सीटर स्पोर्ट्स कार है। होंडा ने इस कार को पहली बार टोक्यो मोटर शो में पेश किया था। ये कार एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का नमूना है। अर्बन मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट कार इस वक्त आपके सामने है। टेक्नोलॉजिकली अगर हम बात करें, तकनीक के लिहाज से आप इस कार में बैठकर अपनी तमाम जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। फिर चाहे घर पे एसी को ऑन करना हो, स्मार्ट लॉकिंग डिवाइस हो उसको अनलॉक करना हो, वो सब कुछ इसके जरिए हो सकता है।